हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंग AS1। उससे पहले फार्मूलास आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहे हैं, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पज़ ये आपको फार्मूलास बार बार दिखाएगा ताकि आपके ये माइंड में बैठ जाए। और फर्दर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें बेसिक पर्पज़ है यू शुड डू एवरी क्वेश्चन थोरोली। कभी उससे आपको प्रैक्टिस होगी। कभी मैंने हर तरह की प्रॉब्लम्स कवर की हैं फ्रॉम RPP, MPP एंड अवर स्टडी मटीरियल आल्सो एंड पास्ट एग्जामिनेशन। AS1 जो हम कर रहे हैं, इसकी जो परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स का कवर करके है, 4 to 5 मार्क्स है। और नॉर्मली 1 क्वेश्चन ही कमी एवरी गाय, तो 4 से 5 नंबर की इसकी वेटेज है। लेकिन स्टार्ट फॉर गेट प्रॉब्लम्स, तो वी आर स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम नंबर 13। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। दिस इज रिलेटेड टू अवर रीशेड्यूलमेंट ऑफ लोन री पेमेंट। सो इट इज गिवन दैट एन एंटिटी हैज रेज्ड 9% लोन इन June 2019 फ्रॉम ए बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सिंस द एंटिटी हैज एडिक्वेट लिक्विडिटी टू रीपे द लोन ऑब्लिगेशन, इट हैज रीशेड्यूल्ड द पेमेंट टर्म एंड द लोन विल बी पेड ऑन 30 June 2022। तो देखो, आपको मेंशन किया है कंपनी ने एक लोन अवेल किया था June 2019 में। तो किसे ये June 2019 एंड किसमें लिखा पर 9% लोन। सो ओरिजिनली दिस लोन इज रीपेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। इसका जो टोटल टाइम पीरियड है विच इज कॉल्ड लाइफ ऑफ लोन, दिस इज 5 ईयर्स। बट नाउ कंपनी हैज गॉट लिक्विडिटी, सो कंपनी हैज रीशेड्यूल्ड इट्स पेमेंट टर्म एंड लोन विल बी पेड ऑन 30 June 2022। तो अब आपने इसका रीशेड्यूल किया है, तो आपने अब इसको पे करना है। सो इट इज पेएबल ऑन June 30, 2022। तो एंटिटी फाइनलाइजिंग अकाउंट्स एवरी दिसंबर एंड एग्रीमेंट वाज मॉडिफाइड एज ऑन 4 February 2022। तो दिसंबर में आपकी बुक्स बन रही हैं, तो इट मीन्स आपने बुक्स प्रिपेयर की होंगी December 2021 में, फिर 2021 से 2022। तो अब ये जो एग्रीमेंट आपने मॉडिफाई किया है, तो ये हमने मॉडिफाई कर दिया है February 4, 2022 में। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव फॉर इशू ऑन February 10, 2022। और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रही हैं जिसे कि February 10, 2022, तो जिसे जो अप्रूवल डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इट मीन जिसे जो फॉर द ईयर एंडिंग अवर 31 December 2021। तो इस साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी अप्रूव हो रही हैं February 10 से। तो उससे पहले अब हमने एक अपना जो रीशेड्यूल किया है अपने लोन को, और लोन आपका रीपेबल हो जाएगा 31 June 2022 में। सो नाउ देयर आर आस्किंग शुड एनी पोर्शन ऑफ द लोन बी क्लासिफाइड एज एन आइटम सो ऑफ करंट लाइबिलिटी एज ऑन 31 December 2021। तो आपने देखना है कि क्या इस डेट को अब आपका कुछ लोन जो है वो करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो आपका डिसीजन होगा सिंस लोन हैज बीन रीशेड्यूल्ड, उस केस में आपका डिसीजन बनेगा सिंस लोन हैज बीन रीशेड्यूल्ड सो आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, देखिए आफ्टर 31 December 2021, बट सो इट हैज बीन रीशेड्यूल्ड अप टू सो डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बाकी के आपकी जो डेट ऑफ अप्रूवल है वो है February 10, उससे पहले हमने इसकी अप्रूवल कर दी है, इसको रीशेड्यूल कर दिया है। तो इट हैज बीन रीशेड्यूल्ड अप टू डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड अब जो आपने लोन है इसको कितने टाइम में पे करना है, इट इज पेएबल विदिन 6 मंथ्स है, इट मीन्स विदिन 12 मंथ्स के अंदर अंदर, एंड इट इज रीपेएबल सो आफ्टर 6 मंथ्स विच इज लेस देन 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। इट मीन्स अब इस लोन को आपने रीपे करना है विदिन 12 मंथ्स में, सो इट विल बी रिपोर्टेड एज करंट लाइबिलिटी, सो इट इज क्लासीफाइड सो एज करंट लाइबिलिटी। सो फॉर करंट ईयर बैलेंस शीट विच इज एंडिंग ऑन 31 December 2021, इट मीन्स इट इज क्लासीफाइड एज करंट लाइबिलिटी सो इन बैलेंस शीट सो एज ऑन 31 December 2021।
2021. So this is quite simple. Next we have problem 14. इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, सो एंटिटी एक्स हैज टेकन 8% शॉर्ट टर्म लोन ऑफ रुपीज 5 लाख फ्रॉम ए बैंक विच विल फॉल ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 30 September 2022. द एंटिटी हैज डिस्क्रिप्शन टू रोल ओवर द लोन टिल 30 September 2023. शुड द लोन बी क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी एज एन 31 March 2022. तो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं अपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2022. दिस इज रिपोर्टिंग डेट और वी कैन से बैलेंस शीट डेट. और आपके बुक्स में एक लोन चल रहा है, 8% लोन है 5 लाख का शॉर्ट टर्म विच इज यू रीपेबल ऑन 30 September. तो गेर इज ए शॉर्ट टर्म लोन एंड दिस इज यू रीपेबल एंड दिस गेट इज अवर 30 September 2022. इट मीन फ्रॉम बैलेंस शीट डेट दिस इज रीपेबल विद इन 6 months. It is repayable within a period of 6 months. And the entity has discretion to roll over the loan till September 30, 2023. But entity ke paas ek power hai. Discretion means entity has a choice to roll over. Roll over hota hai ki hum isko reschedule kar sakte hain, refinancing kar sakte hain the same loan, this loan. But this is up to September 30, 2023. तो देखिए आप इसको रोल ओवर कर लेते हैं तो उस केस में फिर इसकी जो डेट हो जाएगी वो बन जाएगी आपकी 30 September 2023. इट मीन देन इट विल बिकम रीपेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 months. तो आपने देखना है सिंस यू हैव डिस्क्रिशन मीन्स च्वाइस टू रोल ओवर, तो क्या हम इसको करंट लाइबिलिटी शो करेंगे बैलेंस शीट में या नॉन करंट लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस च्वाइस. तो हमारा जो बेसिक रूल होता है इफ़ यू हैव च्वाइस टू रोल ओवर या लोन एज ऑन बैलेंस शीट डेट एंड जब हम इसको रोल ओवर कर रहे हैं एंड फॉर ए पीरियड और इसका जो पीरियड है जिससे ग्रेटर दैन 12 months. सो फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट इट मीन्स इफ फर्म है जो चॉइस टू रोल ओवर दिस लोन, पर यह चॉइस आपके पास होनी चाहिए आपको बैलेंस शीट डेट विच इज अवेलेबल और आप उसको रीफाइनेंसिंग कर सकते हैं या रोल ओवर कर सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ मोर दैन 12 months फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट. तो इस केस में जैसे कितने टाइम के लिए रोल ओवर हो जाएगा 31 March 2022 से लेके 30 September 2023. इट मीन्स अभी एक टोटल टाइम गैप आपका बन जाएगा 18 months. देन एक ही क्लासीफाई गया है जो नॉन करंट लाइबिलिटी, तो उस केस में आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एज ए नॉन करंट लाइबिलिटी क्योंकि अब इसका जो पीरियड है एक रीपेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 months. इट मीन्स एक विल भी क्लासीफाई करेगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, पर ये जो पावर है आपके पास या जो चॉइस है डिस्क्रिशन है रोल ओवर की ये आपके पास होनी चाहिए आपको बैलेंस शीट डेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड जो रिपोर्टिंग डेट और वी कैन से आपको रिपोर्टिंग डेट. नेक्स्ट लेके चाहिए प्रॉब्लम 15. इसमें देखिए आपको मैंशन किया है ए बी लिमिटेड है कि सब्सिडरी सी गी लिमिटेड ए बी प्रोवाइड्स ए लोन टू सी गी लिमिटेड एट 9% इंटरेस्ट टू बी पेड एनुअली. इसमें दो कंपनीज हैं ए बी लिमिटेड और एक है आपकी सी गी लिमिटेड. तो सी गी जो है वो सब्सिडरी है ए बी पेरेंट कंपनी है. अब ए बी ने एक लोन प्रोवाइड किया है तो ए बी है कि गिवन लोन टू सी गी. तो मीन्स जो ए बी है इस केस में वो बन जाएगा लेंडर. लेंडर मीन्स इन्वेस्टर जिसने अपनी मनी इन्वेस्ट की है और सी डी बन जाएगी इसमें बरोवर. द लोन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड व्हेन एवर डिमांड इज बैक बाय ए बी लिमिटेड. अब लोन आपने इसने किस टाइम पे करना है तो दिस इज रीपेबल. तो आपको ये मेंशन किया है कि बरोवर है जी को पे द लोन एज ऑन डिमांड. सो किसी कहा कि लोन इज रीपेबल ऑन डिमांड. तो इसको हम किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए बी लिमिटेड एंड इन द बुक्स ऑफ सी गी लिमिटेड. तो सी गी में तो सिंपल है सी गी कंपनी बरोवर है उसने लोन को रीपे करना है ऑन डिमांड. सो इट मीन्स सो वैन इट रीपेबल ऑन डिमांड सो नो टाइम पीरियड इज स्पेसिफाइड इट मीन्स इट विल बी रिपोर्टेड जाएगी करंट लाइबिलिटी. ये आपकी करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी. अब आते हैं ए बी जिसे अब लोन दे रखा है उसके पास पावर है या चॉइस है कि वो कभी भी डिमांड कर सकते हैं. तो आपको देखना है एज ऑन रिपोर्टिंग डेट मीन्स बैलेंस शीट डेट
तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज, सो ए बी विल से इफ इट एक्सपेक्ट्स टू रिकॉल इट्स लोन विद इन 12 मंथ्स, सो इफ इट इंटेंड्स टू कॉल लोन विद इन 12 मंथ्स तो फ्रॉम बैलेंस डेट, उस केस में लोन आपका रिकवर हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स में फ्रॉम बैलेंस डेट से, देन इट विल बी रिपोर्ट की जाएगी करंट एसेट। सेकेंड पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं, अगर कि ए बी कंपनी की कोई इंटेंशन नहीं है उसको कॉल करने की इमीडिएटली रिकवर करने की, इट मीन्स इफ इट हैज नो इंटेंशन टू कॉल इट्स लोन, कॉल मीन्स टू रिकवर इट्स लोन विद इन अ शॉर्ट पीरियड और वी कैन से विद इन 12 मंथ्स, देन इट विल बी क्लासीफाइड एज नॉन करंट एसेट। इट मीन्स कितने टाइम में आपने लोन को रिकवर करना है तो वो चॉइस अवेलेबल है लेंडर के पास, बट बोरोअर के पास कोई चॉइस नहीं है, जैसे ही लेंडर कॉल करेगा उसको रीपे करना पड़ेगा। तो इतनी बोरोअर के लिए को हमेशा ही करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी, बट लेंडर की आपने दो पोजिशन चेक करनी है, इफ इट हैज इंटेंशन टू रिकवर या लोन विद इन 12 मंथ्स फिर को आप शो करेंगे करंट एसेट, और देखिए इसकी कोई इंटेंशन नहीं है टू रिकवर या लोन विद इन 12 मंथ्स, देन इट विल बी क्लासीफाई जाएगा नॉन करंट एसेट। देखिए ऑल्सो गुड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 16, तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिस्क्लोजर्स कि किस टाइप के आपको डिस्क्लोजर्स लेने हैं नोट्स अकाउंट्स में, दिस इज बेस्ड ऑन डिस्क्लोजर्स। लेट अस सी इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ट्रैक्टर पार्ट्स एंड मेनली सप्लाई कंपोनेंट्स टू द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, द कंपनी डज नॉट हैव एनी सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द करंट ईयर एंडिंग 31 मार्च, द अकाउंटिंग इज नॉट श्योर अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो कंपनी जो है को कंपोनेंट्स वगैरह सप्लाई कर रही है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मैटर्स आपके अराइज हो गए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट आपको मेंशन करना है। सो नंबर वन, सो देयर आर क्वालिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी विद रेफरेंस टू टू इन द एएस वेदर एंटिटी शैल मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इन द एएस। तो आपको पहला मेंशन किया है कि ऑडिटर ने आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दिया है कि आपने दो इंगेस फॉलो नहीं किए हैं, तो ऑडिटर हैज क्वालिफाइड द ऑडिट रिपोर्ट दैट टू इंगेस आर नॉट फॉलोड बाय कंपनी। इट मीन्स आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जिस इज नॉट इन कंप्लायंस विद इंगेस, क्या इस केस में भी अब एंटिटी को एक स्टेटमेंट इशू करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट की हमारी एक्सप्लिसिट कहेंगे अनरिजर्व स्टेटमेंट गैट इन गेस हैव बीन फॉलोड। तो हमारा बेसिक रूल हमने जैसे डिस्कस किया था कि जब ऑडिटर ने रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दिया है बट इट डजंट मीन गैट कंपनी हैज नॉट फॉलोड इन गेस, कंपनी हैज टू गिव, तो हमारा आंसर यही है कंपनी हैज टू इशू सो एक्सप्लिसिट एंड सो अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इन गेस। तो कंपनी को ये स्पेसिफाई करेगी कि हमने कुछ सारे इंगेस फॉलो किए हैं और उसकी हमें एक स्टेटमेंट भी इशू करनी है जिसका नाम है एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। अब जो इशू राइज होते हैं जो ऑडिटर क्वालिफाई करके है सिर्फ हम उसको एक्सप्लेन करके हैं ऑडिटर की रिपोर्ट में कि क्या क्या रीजन्स हैं आपके। तो सेकेंड उन्होंने पूछा है, सो इज इट मैंडेटरी टू एड द वर्ड स्टैंड अलोन बिफोर ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो क्या ये ज़रूरी है कि आपको ये मेंशन करना है बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट दीज आर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो नॉर्मली हमारी दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक होती हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक होती हैं कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड कब बनती हैं, जब पेरेंट और सब्सिडियरी का रिलेशन होता है, तो इस केस में कोई पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशन नहीं है तो स्टैंड लोन की जगह हमें ये जरूर स्पेसिफाई करना है, सो एक इज को भी स्पेसिफाइड सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो आर इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअल होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दीज आर नॉट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड नहीं है बिकॉज देयर इज नो पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशन बट दीज आर इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको
इस वर्ग को हर स्टेटमेंट से पहले ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो दिस वर्ग इज योर नोट टू बी एडेड, नोट टू बी एडेड बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बल्कि आपको एक नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करना है दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सो दीज आर इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो नंबर थर्ड पॉइंट यार आस्किंग कंपनी इज इंडियन कंपनी एंड इज इट नेसेसरी दैट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है टू बी प्रेजेंटेड इन रुपीज। तो जैसे अभी ये इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो इंडिया की जो करेंसी है उसमें हम शो करके हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी, जिसे कहा कि प्रेजेंटेशन करेंसी। तो नेचुरली है कि जो इंडियन कंपनी है उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी है रुपीज। सो इट इज कंपल्सरी टू प्रेजेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रुपीज। पर कई बार होता है कि जैसे आपकी जो इंडियन कंपनी है वो किसी कंपनी की सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, अब फॉरेन कंपनी की प्रेजेंटेशन करेंसी है डॉलर या यूरो, तो फिर हमें उस केस में उसको शो करना पड़ता है उस प्रेजेंटेशन करेंसी में। पर जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल इंडियन कंपनी है जिसकी प्रेजेंटेशन करेंसी रुपी है, तो देयर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड सो इन अवर रुपी। तो फोर्थ पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कंपनी की हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपी 180 करोड़ से द कंपनी वांट्स टू प्रेजेंट एब्सोल्यूट फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एब्सोल्यूट होते हैं कि हम रुपीज में ही शो करेंगे फिगर्स एंड विच आर नेसेसरी फॉर ऑडिट पर्पज टैक्स रिलेटेड फाइलिंग्स एंड अगर इंटरनल पर्पज। तो क्या ये जरूरी है कि आपको एब्सोल्यूट फिगर्स ही शो करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? फोर्थ पॉइंट यस इट इज कंपल्सरी दैट फिगर्स जो हैं आपके वो एब्सोल्यूट होने चाहिए। फिगर्स शुड बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स ये आपका अमाउंट होना चाहिए करेंसी में रुपीज में विच इज प्रेजेंटेशन करेंसी। इट मीन्स हम इसको परसेंटेज में शो नहीं कर सकते, कई बार हम शो करके ना एक्सपेंस हमारे लिखते हैं परसेंटेज सेल का गेटिंग नो अलाउड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको एब्सोल्यूट फिगर्स ही शो करने हैं। गिवन मोर पॉइंट गिवन फिफ्थ पॉइंट कंपनी है कि सेल्स ट्रांजेक्शन विद 10 रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट नो ट्रांजेक्शन विद 4 रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग करंट ईयर। इसमें जो को मेंशन किया है कंपनी है ये रिलेटेड पार्टीज, कंपनी कुछ रिलेटेड पार्टीज हैं एंड दीज आर 10 रिलेटेड पार्टीज। तो प्रीवियस ईयर में आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही थी तो देयर वर ट्रांजेक्शन्स विद ऑल दीज 10 रिलेटेड पार्टीज, बट इन करंट ईयर में आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं विद रिलेटेड पार्टी तो दीज आर विद ट्रांजेक्शन्स विद 6 रिलेटेड पार्टी। बिल्कुल गैर सही क्या है विद 4 रिलेटेड पार्टी उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो करंट ईयर में देर इज नो ट्रांजेक्शन विद 4 रिलेटेड पार्टीज इन करंट ईयर। ये आपको मेंशन किया है। नाउ गैर आस्किंग कंपनी डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज द सेल्स विद दीज 4 रिलेटेड पार्टी इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट बिकॉज देर आर नो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग करंट ईयर। तो जब आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शो करके हैं तो इस साल तो कोई सेल आएगी नहीं आपकी, ट्रांजेक्शन ही नहीं है, अब हम पिछले साल के लिए ट्रांजेक्शन को शो नहीं करना चाहते हैं तो क्या ये अलाउड है? तो हमारा बेसिक रूल होता है क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर की में जो इन्फॉर्मेशन है वो इसलिए डिस्क्लोज करके हैं सो दैट करंट ईयर इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल। तो आपका बेसिक रीजन ये बनता है इफ़ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड तो करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गैन। सो इट इज कंपल्सरी टू प्रेजेंट दिस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, सो इन दैट केस गैन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्क्लोज, फिर आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो शो करनी पड़ेगी। बट इफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपकी अपने आप ही एक्सप्लेन हो रही हैं, फिर आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन शो करने की जरूरत नहीं है इफ देयर इज नो ट्रांजेक्शन विद रिलेटिव पार्टी इन करंट ईयर। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम 17 दिस इज रिलेटिव विद ऑफसेटिंग। सो देयर आस्किंग वेदर एन एंटिटी कैन ऑफसेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड रिलेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम सेल कंसीडरेशन ऑफ द एसेट टू प्रेजेंट नेट गेन और लॉस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो आपने एक एसेट सेल की है, ऐसे के लिए सोल्व उसका आपको सेल प्राइस मेंशन किया है, फिर आपके कुछ एक्सपेंसिज हो रहे हैं ऑन सेल, देयर आर सम एक्सपेंसिज ऑन सेल ऑफ एसेट,
क्या हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं फ्रॉम सेलिंग प्राइसेस टू फाइंड आउट नेट गेन और लॉस? और आंसर इज यस, एक्सपेंसिव जो जो है आपके कैन बी ऑफसेट फ्रॉम सेल प्राइस, उससे आपको मिलेगा नेट सेल प्राइस एंड वी गेट नेट सेल प्राइस एंड देन यू कैन कैलकुलेट गेट नेट प्रॉफिट और लॉस, गेट नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जब आपके एक्सपेंसिव होते हैं उसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जैसे आप ऐसे को सेल कर रहे हैं और उसी सेल के एक्सपेंसिव है तो उसको हम ऑफसेट कर सकते हैं, तो दिस इज अवर बेसिक रूल, तो यस ऑफसेटिंग इज अलाउड। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 18, उसमें आपको मेंशन किया है ए लिमिटेड सोल्ड इट्स बिल्डिंग टू मैक्स लिमिटेड 4 रुपीज 55 लैक्स ऑन 30 सितंबर 2021 एंड गेव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू मैक्स लिमिटेड, हाउएवर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग ड्यू टू दिस द कंपनी हैज नॉट रिकॉर्डेड द सेल एंड हैज शोन अमाउंट रिसीव एट एडवांस एंड द बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 35 लाख ऑन 31 मार्च 2021, सो डू यू एग्री विद दिस ट्रीटमेंट, इफ यू डू नॉट एग्री एक्सप्लेन द रीजंस विद रेफरेंस टू इन द एएस। देखो आपको ये मेंशन किया है इसमें प्रॉब्लम 18 में, तो आपका जो करंट ईयर है जिसे ये 2021-22, तो कंपनी जो है जिसे जबर ए लिमिटेड उसने एक बिल्डिंग सेल कर दी है अपनी 30 सितंबर को, ड्यूरिंग दिस ईयर 30 सितंबर 2021, सो ए सोल्ड बिल्डिंग एंड जिसे 455 लाख और उसका जो एडवांस है वो आपने रिसीव कर लिया, एडवांस रिसीव, और जो बिल्डिंग है उसका पोजेशन भी आपने ट्रांसफ़र कर दिया है जिसको आपने सेल किया है, बट उसकी सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज आपकी पेंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2022। तो अब आपका जब ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2022 में, तो उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं दे आर पेंडिंग, लीगल फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग, इसीलिए कंपनी ने इसको एज सेल अपनी बुक्स में शो नहीं किया है 55 में। अब इसकी जो बुक वैल्यू है बिल्डिंग की वो है आपकी 35 लाख, वेदर सिग्गी से सेल टू बी रिकॉर्डेड इन करंट ईयर और नो, तो हमने सिर्फ एज एडवांस से शो कर दिया कि हमें एडवांस रिसीव हुआ है एज ए एसेट। तो हमारा बेसिक रूल क्या है, आपने देखना है सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, सब्सटेंस मीन्स रियलिटी क्या है आपकी ट्रांजेक्शन की, रियलिटी है कि बिल्डिंग सेल हो गई है उसका पोजेशन भी ट्रांसफ़र हो गया है और मनी भी आपको रिसीव हो गई है, तो इट मीन्स इवन ओनली लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड जो पेंडिंग है आपकी, सो सब्सटेंस के बेस पर इट मस्ट बी रिकॉर्डेड एज ए सेल, सो इट इज टू बी रिकॉर्डेड एज ए सेल, उसको आप एज ए सेल शो कीजिए बुक्स में, उसका इफेक्ट क्या होगा, बिल्डिंग हमारी बुक से एलिमिनेट हो जाएगी, एडवांस हमारा जो है एडजस्ट हो जाएगा इसके लिए, और जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग बुक्स में अराइज हो जाएगा, इट मीन्स प्रॉफिट ऑन सेल विल बी रिकॉग्नाइज इन करंट ईयर, प्रॉफिट ऑन सेल इज रिकॉग्नाइज। तो इन केस मैंने क्या किया कि जो सब्सटेंस के बेस पर आपने ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने हैं, नो कंगल बेसिस ऑफ लीगैलिटी। तो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की इन वेस वन से रिलेटेड, फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बेसिक प्रपर यही है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए एंड यू शुड डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आप देखें कोई ना कोई नया पॉइंट अराइज हो जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।